स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। आज अन्ना भाऊ साठे की जयंती है। अन्ना भाऊ का जन्म 1 अगस्त 1920 में हुआ था। उनकी पहचान ना सिर्फ एक कवि नाटककार बल्कि एक जाने माने समाज सुधारक में भी होती थी। एक ऐसा समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से किसी ने पूछ लिया था कि तुम्हारे यहाँ जो अन्ना भाऊ साठे हैं वो कैसे हैं। पंडित नेहरू भी उस समय अचंभित हो गए थे, क्योंकि खुद पंडित नेहरू भी अन्ना भाऊ साठे के बारे में नहीं जानते थे। ये वाकया फ्रांस में हुआ था। जब वहाँ से पंडित नेहरू भारत लौटे तो वे भी इस अन्ना भाऊ साठे की खोज में जुट पड़े थे। आज अन्ना भाऊ साठे की जयंती पर हम उन्हीं पर आधारित एक शो जो है कर रहे हैं और बताएंगे कि अन्ना भाऊ साठे कौन थे, कहाँ के थे और कैसे थे। अन्ना भाऊ साठे कौन थे, क्या थे, कहाँ के थे, बहुत कम लोग जानते हैं, खासकर हम हिंदी वालों में। अन्ना नाम सुनकर हमारे दिमाग में सिर्फ अन्ना हजारे की तस्वीर बनती है। सुनकर शायद हैरानी हो कि अन्ना भाऊ से जुड़े एक प्रश्न ने नेहरू जी को भी उलझन में डाल दिया था। उन दिनों रूस और भारत की गहरी दोस्ती थी। नेहरू जी वहाँ पहुँच गए थे। यात्रा के बीच एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि आपके यहाँ गरीबों और वंचितों की कहानी कहने वाला एक कलाकार और समाज सुधारक अन्ना भाऊ साठे है, कैसा है वह। नेहरू भी चुप थे। उन्होंने ऐसे किसी अन्ना भाऊ साठे के बारे में नहीं सुना था। देश लौटे और यहाँ पता लगाना शुरू किया, पर मुश्किल काफ़ी कोशिश के बाद पता चला कि मुंबई की चाल में ऐसा ही आदमी रहता है। कद 5 फुट, रंग तांबाई, बदल इकहरा, आँखों में चमक, सीधे दिल में उतर जाने वाली तेज जोशीली आवाज़, लिखता गाता बजाता तमाशे करता है, मजदूर आंदोलनों में हिस्सा लेकर उनकी बात उठाता है, बोलने के लिए खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी भीड़ में भी सन्नाटा छा जाता है। लोकप्रियता ऐसी कि तमाशा करे तो दर्शकों का हुजूम उमर पड़ता है। अमीरी गरीबी के बीच भारी अंतर को वह मार्क्सवादी नज़रिए से देखता है, लेकिन जातिवाद और छुआछूत की व्याख्या के समय उसे सिर्फ अंबेडकर याद आते हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए वर्ग क्रांति को आवश्यक मानता है। मराठी साहित्य और कला जगत के शिखर पुरुष अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले की वालवा तहसील के वाटे गांव के मांगबाड़ा में हुआ था। उनके बचपन का नाम तुकाराम था, पिता का नाम भाऊराव और माँ का नाम था बालूबाई। जाति थी मांग, यानी कि मातंग, अछूत और देश की सर्वाधिक विपन्ना जातियों में से एक, जिसका कोई स्थायी धंधा तक नहीं था। पेट भरने के लिए उस जाति के सदस्य शादी विवाह पर्व त्यौहार के अवसर पर ढोल और तुरही बजाते, नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करते, रस्सी बुनते, उससे जो आय हो जाती थी उससे जैसे तैसे गृहस्थी चलाते थे। लेकिन एक काम हमेशा तो मिलने वाले नहीं थे, इसलिए बाकी समय में वे मेहनत मजदूरी वाला कोई भी काम कर लेते थे। अछूत होने के कारण गांव में रहने की मनाही थी, सो गांव बाहर रहते। चैन वहां भी नहीं था। गांव में जब भी कोई अपराध होता था तो शक मांगबाड़ा पर ही जाता था। शर्म की बात यह कि मानव मात्र के अधिकारों की सुरक्षा का दावा करने वाली औपनिवेशिक सरकार ने पूरी मांग जाति को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंतर्गत अपराधी घोषित किया हुआ था।
कुछ समझदार किस्म के ग्रामीण किसी मांग को ही गांव की चौकीदारी सौंप देते थे। कहीं कहीं यह कहावत भी चलती थी कि मांग के घर में आटे का बर्तन भले खाली हो, दीवार पर बंदूक जरूर टंगी होती है। अन्ना के पिता मुंबई में एक अंग्रेज के घर माली का काम करते थे, बाकी परिवार गांव में रहता था। भाऊ राव नौकरी करते थे, इस कारण बाकी सजातीय परिवारों की अपेक्षा उनकी आर्थिक हैसियत थोड़ी अच्छी थी। फिर भी जीवन संघर्षमय था। भाऊ राव बेटे को पढ़ाना चाहते थे। एक बार छुट्टी लेकर गांव पहुंचे तो अन्ना की मां ने उनका स्कूल में दाखिला कराने की सलाह दी, लेकिन स्कूल मास्टर कुलकर्णी अपराधी जाति के बालक को दाखिला देने को तैयार न थे। काफ़ी अनुनय विनय के बाद वह राजी हुआ, फिर भी जाति द्वेष बना रहा। अपमान और तिरस्कार भले माहौल में अन्ना भाऊ ने कुछ दिन जैसे तैसे काटे। शीघ्र ही उनका स्वाभिमानी मन वहां से उब गया। आखिर प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वे जीवन की पाठशाला में भर्ती हो गए। उसके बाद कुछ दिन यायावारी और सिर्फ यायावारी ही चली। जो सीखा जीवन अनुभव से सीखा, जितना सीखा उतना समाज को लगातार लौटाते भी रहे। उन दिनों मनोरंजन का प्रमुख साधन गाना बजाना था। अन्ना का दिमाग तेज था, याददाश्त गजब थी। बचपन से ही अनेक लोकगीत उन्हें कंठस्थ थे। वे गा बजाकर अपना और दूसरों का मनोरंजन करते थे। खेल ही खेल में यदा कदा कुछ नया ही रच देते थे। यही नहीं, वे तलवार भाला डांडपट्टा कटार आदि चलाने में भी सिद्धस्थ थे। इन हथियारों का प्रयोग अवसर विशेष पर शौर्य कला का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। असल में वे सामंतों के मनोरंजन का साधन थे। वैभव और शौर्य लुटा चुके जमींदार सामंत शौर्य कलाओं का मंचन देखकर ही आत्मतुष्ट हो जाया करते थे। बात बात पर न्याय नैतिकता धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाले पंडित जन जाति के नाम पर आदमी आदमी में भेद के सवाल पर चुप्पी साध जाते थे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। इसी तरह की खबरें और विशेष शो के लिए बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।